टेल यू वन थिंग, एक टाइम तक हम वो होते हैं जो हमारे पेरेंट्स हमें बनाते हैं, है ना, एक टाइम तक, जब तक हम उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जब तक हम खुद से खाना नहीं खा सकते वो खिलाते हैं, हम खुद से वॉशरूम नहीं जा सकते वो करते हैं, हम खुद से सोच नहीं सकते वो हमें सिखाते हैं। तो बहुत सारी गलतियाँ हमारे पेरेंट्स भी करते हैं हमें बड़ा करने में, कुछ बहुत अच्छी बातें भी सिखाते हैं, बट दे आर पेरेंट्स, दे आर ह्यूमंस। हम पूरी जिंदगी उनको ब्लेम नहीं कर सकते उन चीज़ों के लिए जो उन्होंने हमें नहीं सिखाई, क्योंकि उनको भी तो उतनी ही आती थी ना, एंड दे डिड देयर बेस्ट टू रेज अस, टू रेज मी, टू रेज यू, अपने अपने पेरेंट्स ने। देन एक स्टेज आता है जब हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें क्या बनना है, हमें क्या सीखना है। नाउ यू आर इन दैट स्टेज। आप ये नहीं कह सकते कि मैम हमारे पास पैसे नहीं, हम कैसे सीखें। आजकल बहुत कम पैसा लगता है बहुत कुछ सीखने के लिए, मतलब इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है ना, आपको 100 रुपए में 3 घंटे की 4 घंटे की क्लास मिल जाएगी उस चीज़ के लिए जो आप सीखना चाहते हो, बी इट डांसिंग, बी इट सिंगिंग, बी इट गार्डनिंग, बी इट एनीथिंग, एनी स्किल, बी इट सेल्फ कॉन्फिडेंस, बी इट पब्लिक स्पीकिंग, आप क्या बनना चाहते हो, बी इट बायोलॉजी, बी इट नीट कोचिंग, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर ऑलमोस्ट फ्री और लिटिल बिट अमाउंट ऑफ मनी। सो व्हाट डू यू वॉन्ट टू डू विद योर लाइफ? नाउ इज नॉट द टाइम जब हम अपने पेरेंट्स को कहें कि तुमने मुझे ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया, दैट टाइम इज गॉन। हमारी लाइफ में एक टाइम होता है जब डिपेंडेंट होते हैं, आप डिपेंडेंट नहीं होते इस एज के बाद, 10, 12, 13 साल के बाद जब आप होश संभाल लेते हो, आपको पता चलता है कि दुनिया में कितना कुछ है भाई, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, अब आपकी बारी होती है सीखने की। एंड आई होप ये बात आपको समझ में आ जाए, आपके अगले 10 साल वेस्ट ना हो। बिकॉज मुझे याद है जब मैं इस स्टेज में थी, देन आई वॉज 15, 16, 17, मेरे फादर मुझे बहुत कुछ बताते थे, स्पोर्ट्स करने चाहिए बहुत अच्छी बात है, स्पीचेस में पार्ट लेना चाहिए बहुत अच्छी बात है, डांस करनी चाहिए, मुझे क्लासेस में भेजते थे, जिस भी क्लास में मेरा जाने का मन होता था मेरे को कराटे की क्लास में भेजते थे, स्कूल में ही होती थी, 100-100 रुपये मंथली फीस होती थी, कराटे सीखती थी मैं, टाइकोंडो सीखती थी, डांसिंग सीखती थी, सिंगिंग सीखती थी, स्पीचेस सीखती थी। तो वो कहते थे कि जितना तुम सीख सको ना बहुत बढ़िया है, बट इतना कुछ सिखाने के बाद भी मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, जैसे कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन करना है, ठीक है, जैसे कि लाइफ में मैच्योरिटी विजडम कैसे लानी है, लाइफ में डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, पैसे कैसे कमाने हैं, मनी को मैनेज कैसे करना है, ठीक है, लॉट ऑफ थिंग्स, अपना करियर कैसे ढूंढना है, कैसे हेल्प करनी है अपने आपको कि मुझे क्या बनना है। एंड वो करते 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 10 ईयर्स वेंट बाय, 10-15 ईयर्स, देन मुझे समझ में अच्छा ये ऐसे होती है, ऐसे होती है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मैं 10-15 सालों में समझी हूँ वो तुम अभी से ही थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर दो, तो इट विल सेव यू प्रेशियस 10 ईयर्स ऑफ योर लाइफ। अगर तुम नेट भी चला रहे हो ना, इंटरनेट भी चला रहे हो, डू नॉट रैंडमली डू एनीथिंग, डू नॉट यूज इंस्टाग्राम रैंडमली, डू नॉट यूज फेसबुक रैंडमली, डू नॉट यूज यूट्यूब रैंडमली, बस कुछ भी देख रहे हैं यार, कुछ भी, मतलब बिग बॉस चला लिया, बिग बॉस तुम्हारी लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट करेगा? देखना है, मान लो तुम यूट्यूब चला रहे हो तो इंटेंशनली यूज करो ना उसको, मान लो तुमने सोचा मैं तो 2 घंटे यूट्यूब पे लगाने वाला हूं, करते हैं बच्चे ऐसा, तो वो वीडियोस देखो ना कि जो तुम्हें काम, मतलब तुम क्या बनना चाहते हो उसकी तरफ तुम्हें पुश करे, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, हाउ टू क्रिएट हेल्दी हैबिट्स। मोटिवेशन तो थोड़ी देर की होती है, बेसिकली तो हैबिट्स ही होती है हमारी लाइफ में, जिसकी अच्छी हैबिट्स होती है वो अच्छी जगह पहुंच जाता है, जिसकी खराब हैबिट्स होती है वो नीचे रह जाता है। हाउ टू मेक न्यू हैबिट्स, टेड टॉक देखा करो, टेड टॉक्स में कितनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं, 10 टेड टॉक देखोगे तो एक तो समझ में आएंगे, ये नहीं कि अब टेड टॉक लेके बैठ जाओगे। वेन एवर यू आर फ्री, वेन यू वॉन्ट टू वेस्ट टाइम और यू वॉन्ट टू डू समथिंग फन, यू कैन डू दिस। हाउ टू मेडिटेट, कितना चीजें हैं यार यूट्यूब पे, बिल्ड योर सेल्फ वॉट यू वॉन्ट टू बी। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट।